हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या हम कहें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक नया टॉपिक जो कि है वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट। और साथ में आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जॉब अलर्ट विद जीनत हसन, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। CSIT की कौन कौन सी जॉब अपडेट्स हैं वो हम उस चैनल पर पोस्ट करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी सब आपको बताया जाता है, तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम ID, क्योंकि जो यूट्यूब के लिंक हैं, लाइव क्लासेस के लिंक हैं, वो स्किप हो रहे हैं, तो टेलीग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए। इसमें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, वहाँ भी आप नोटिफिकेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और इनका क्यों यूज किया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, इसके पहले ये जान लें कि इनको हम कंप्यूटर में क्यों यूज़ करते हैं। जैसा कि हमें पता है, कंप्यूटर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारा लॉजिक गेट के थ्रू जो लॉजिक है हमारे मैथमेटिकल लॉजिक इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो ये इन लॉजिक गेट्स पे जब हम काम करते हैं बाइनरी, आपको पता ही है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है 1 और 0 पे काम करता है। 1-0 क्या होता है आपको पता ही, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे। 1-0 फिजिकल रूप में हम देखें तो हाई और लो वोल्टेज होते हैं या हाई और लो करंट होते हैं, तो एक को 1 दे दिया जाता है और एक को 0 समझने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। तो 1 और 0 में ही हमारा, क्योंकि सिग्नल्स जो है वो वोल्टेज में ही रन होते हैं, वोल्टेज ही सिग्नल्स होते हैं, तो 1 और 0 हमारी स्टेट होती है, ऑन और ऑफ स्टेट होती है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो हमारे लॉजिक हैं वो लॉजिक गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। लॉजिक गेट का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आप कहें या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो जो एडिशन होता है वो आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है लॉजिक गेट के थ्रू बजाय सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। तो यहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट हम पहले समझेंगे कि क्या होता है और इसके थ्रू हमें सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी हम इसमें एडिशन लगाएंगे, होगा सब्ट्रैक्शन लेकिन हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो आसान हो जाता है एडिशन को इम्प्लीमेंट करना, इसलिए कॉम्प्लीमेंट को पहले समझा जाता है और फिर इन कॉम्प्लीमेंट को यूज़ किया जाता है एज अ सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन कैसे हम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है, पूरक, हमने पढ़ाई है, जो हम ऐसे बार पढ़ते थे 11th 12th में, अगर आपने मैथ्स पढ़ी थी तो इसको कॉम्प्लीमेंट कहते थे, कॉम्प्लीमेंट पूरक। 1 का पूरक क्या हो जाता है 0 और 0 का पूरक क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट तो बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आपको बताया वही वंस कॉम्प्लीमेंट है जो अभी हमने देखा। वंस कॉम्प्लीमेंट जस्ट हमें फ्लिप करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट हमें क्या करना है, फ्लिप कर देना है बिट्स को, जैसे हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, ठीक है, बाइनरी नंबर सपोज 7 का बाइनरी 4-bit बाइनरी 0-1-1 है ना। आपको अगर कन्वर्जन नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है कन्वर्जन के लिए, नंबर सिस्टम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सोल है वो नंबर सिस्टम कन्वर्जन है, वो आपको आना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि 7 का 4-bit बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, तो आपको अगर चेक करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2 की पावर 0 into 1, 2 की पावर 1 into 1, 2 की पावर 2 into 1, 2 की पावर 3 into 0, ठीक है। तो ये 7 हो रहा है कि नहीं, डेसिमल का देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ हो गया 1+2+4, तो ये हो गया 7, ये तो कट ही जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो 4-bit बाइनरी क्या हो गया 7 का 0-1-1, कैसे आया वो आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये 7 का 4-bit बाइनरी है, राइट, इस तरीके से लिखते हैं और 7 ये हो गया डेसिमल में। अब यदि मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट
बहुत आसान होता है। हमने आपको बताया कि किसी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट उसकी जो बिट्स हैं उसको फ्लिप कर दें या इन्वर्ट कर दें या पलट दें, दूसरे शब्दों में कहें तो हमें उसका वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। इस बिट को पलट दीजिए, जीरो को पलटा वन, वन को पलटा जीरो, वन को पलटा जीरो, वन को पलटा जीरो, ठीक है। तो इन्वर्ट कर दी हमने बिट, तो ये हमारा क्या आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो हम कह सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, यू कैन राइट हियर, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लिपिंग ऑल बिट्स, राइट। तो हमने देखा सेवन का जो रिप्रेजेंटेशन था बाइनरी जीरो वन 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 था, इसका जब हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये हो गया वन जीरो जीरो जीरो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट, ये हमने प्लस सेवन का दिखाया आपको, ठीक है। अभी मैं साइन बिट रिप्रेजेंटेशन पे आऊंगी तब हम प्लस सेवन माइनस सेवन की फिर से बात करेंगे, पहले हम देखेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट, नाउ टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर ऑब्टेन करना है हमें तो क्या करना होगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा और फिर उसमें प्लस वन करना होगा। जैसे टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेवन हम निकालें जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जीरो वन वन, इसका हमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला वन जीरो जीरो और फिर मुझे प्लस वन यूनिट यहां से ऐड करना होगा, ठीक है। तो जीरो प्लस वन वन, अब इसके लिए आपको बाइनरी एडिशन आना चाहिए, ठीक है। तो बाइनरी एडिशन नहीं आता है तो आप बाइनरी एडिशन, बाइनरी अरिथमेटिक का एक वीडियो है वो देख लीजिए पहले, ठीक है। वन जीरो वन जीरो 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 वन वन, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, टूस कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला इसका, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया वन ट्रिपल जीरो, प्लस वन किया तो ये आया वन जीरो जीरो वन, तो ये क्या हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट एंड देन एडिंग वन टू इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम टूस कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइन बिट रिप्रेजेंटेशन की। पॉजिटिव वैल्यू के लिए साइन बिट यूज की जाती है जीरो, और नेगेटिव वैल्यू के लिए और नेगेटिव नंबर के लिए हमें साइन बिट यूज करना है वन, ठीक है। जब हम साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर कुछ नहीं होता है, जो हमारा बाइनरी नंबर होता है जैसे सेवन का फोर बिट बाइनरी नंबर हमने देखा था जीरो वन वन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जब साइन बिट की बात करें तो एक बिट तो फिक्स कर दी जाएगी साइन बिट के लिए और बाकी जो आपका नंबर है बाइनरी नंबर उसको स्टोर किया जाएगा रजिस्टर में, ठीक है। जैसे इसकी अगर हम बात करें, पॉजिटिव वैल्यू है ये तो पॉजिटिव के लिए जीरो लग जाएगा और नंबर क्या है जीरो वन वन वन, ठीक है। अगर निगेटिव साइन की बात करें, निगेटिव सेवन की बात करें तो यहां पर हो जाएगा माइनस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा वन और यहाँ हो जाएगा जीरो वन वन वन,
तो निगेटिव नंबर के लिए ये हो गया पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है रजिस्टर में, तो यहाँ पे जो नंबर बाइनरी है वो वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, साइन बिट तो रहेगी आपकी, यहाँ पे क्या आ जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। यदि वंस कॉम्प्लीमेंट को साइन बिट भी मेंशन करना है, यदि माइनस सेवन दिखाना है, सपोज मुझे माइनस सेवन वंस कॉम्प्लीमेंट में रजिस्टर में स्टोर करना है, तो माइनस सेवन मैंने आपको बताया माइनस के लिए हमें क्या करना है वन, है ना। और वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है माइनस सेवन का, वंस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था वन जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तो ये हो गया वन जीरो जीरो जीरो, तो क्या हो गया ये वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइनस सेवन, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइनस सेवन। इसी तरीके से टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइनस सेवन क्या हो जाएगा, साइन बिट क्या हो जाएगी वन, क्योंकि निगेटिव वैल्यू के लिए हमें साइन बिट क्या सेट करना होती है वन। और यहां पे फिर क्या हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट, तो वन जीरो जीरो का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो हमने प्लस वन करके निकाला था, प्लस वन करके हमने निकाला वन जीरो जीरो वन, तो ये हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइनस सेवन। आ रही है बात समझ में, यानी कि माइनस सेवन का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा वन 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 वन। अगर फोर बिट की बात करते हैं, फोर बिट में लेकर चलती हूं मैं, जीरो वन वन वन, और यहां पे हो गया साइन बिट एक लग गई वन, ठीक है। अब यदि मैं माइनस सेवन की बात करूं वंस कॉम्प्लीमेंट में, माइनस सेवन की बात करूं वंस कॉम्प्लीमेंट में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, चूंकि माइनस वन है, सॉरी माइनस नंबर है, इसलिए वन बिट सेट हो जाएगी। साइन बिट मैंने आपको बताया पॉजिटिव हो तो जीरो, निगेटिव हो तो वन, तो नेगेटिव नंबर के लिए वन बिट साइन बिट सेट हो जाएगी। और ये जो नंबर है इसको हम काय में कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में, वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा क्या आया वन ट्रिपल जीरो। अगर हम माइनस सेवन को टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो साइन बिट क्या सेट हो जाएगी वन, और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे टूज, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, इसका नहीं इसका, क्योंकि हम सेवन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा वन डबल जीरो वन। आ रही है बात समझ में, तो ये है रिप्रेजेंटेशन साइन बिट, यदि हमें नेगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसे कैसे लिखना है वो अभी हमने यहाँ पर देखा। अब हम जैसे कि हमने आपको बताया था वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज हम करते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में हम किस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे ये हम इसी वीडियो में देखेंगे, और टूज कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, आप देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं, तो टूज कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन फिर मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। तो वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं, हो रही थी तो यहाँ पर जल्दी शॉर्ट में मैंने लिख लिया है, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड नंबर, ऐड चेक कैरी, वन इज कैरी देन एड इट टू द रिजल्ट, नो कैरी देन रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इन वंस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं वन वन जीरो जीरो माइनस वन जीरो वन जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है हमारी, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड या जो हमारा सेकेंड नंबर है जिसको सबट्रैक्ट करना है उसका क्या लेंगे हम वंस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन जीरो वन जीरो इज जीरो वन जीरो वन, ठीक है, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है उसको ऐड कर देना है हमारे नंबर में, तो ये वन वन जीरो 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 वन जीरो वन, इसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे। ये हमारी स्टेप टू हो रही है, ये स्टेप वन हो गई, ठीक है, ये स्टेप टू हो गई, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस वन जीरो कैरी वन, ठीक है, वन जीरो होता है, वन प्लस वन वन जीरो। तो ये देख रहे हैं आप यहां पर क्या आ गई है कैरी बिट आ गई है, ये क्या है कैरी बिट है, क्योंकि हमारा फोर बिट था, ये फोर बिट से एक्स्ट्रा बिट आई है फाइव बिट, तो इस कैरी बिट को हमें क्या कर देना है फिर से ऐड कर देना है, यहाँ नहीं हमेशा यूनिट प्लेस पर ही हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको वन बिट को यहाँ ले गए और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया, राइट। तो जब यहाँ पे आ गई तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये इसको हम क्या कर देंगे
ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, कैरी 1, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 0 का 0, 0 का 0, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाया है, क्या आया 0010। अब ये सही है कि नहीं कैसे चेक करें, तो देख लीजिए इसका बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 12। इसी तरीके से यदि आप 1010 का डेसिमल नंबर निकालेंगे इक्विवेलेंट डेसिमल तो वो आएगा 10। तो 12 माइनस 10 कितना होता है 2, तो ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ये भी 2 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो हम रिजल्ट को भी फिर से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये देखिए 2 आ रहा है डेसिमल में, इसका मतलब हमने जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है वो बिल्कुल सही है। तो जब कैरी बिट आती है तो आपको वापस ले जाके उसे प्लस 1 कर देना है और यही आपका आंसर होगा। तो जब कैरी बिट आएगी हम किस केस में देख रहे हैं, जब ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, मतलब जैसे माइनस करते हैं सिंपली, मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं, लेकिन यदि हम इसका उल्टा कर दें, ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं 10 माइनस 12 परफॉर्म करते हैं, राइट। अब यहां पर हम लिख लेते हैं 1010 जो कि है 10 के इक्विवेलेंट, और 1100 जो कि है 12 के इक्विवेलेंट। अगर मुझे इस तरीके से परफॉर्म करना है तो फर्स्ट स्टेप तो वही है कि इसका हम क्या लेंगे, जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना रहता है उसका हम क्या ले लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। तो स्टेप वन में हमने निकाल लिया वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, कितना हो जाएगा 0011, ठीक है, इसका क्या निकाल लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। फिर इसे क्या करेंगे स्टेप टू, इसे जो हमारा नंबर है जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना था उसमें ऐड कर देंगे 0011, ठीक है। तो यहां पे हमने ऐड कर दिया, ये 1 हो गया 1100 कैरी 1 1 1। अगर आपने बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से उसको जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कोई कैरी बिट नहीं है, 4 बिट के हमारे नंबर थे और 4 बिट में ही हमारा रिजल्ट है, मतलब कोई कैरी नहीं है, कैरी जो है वो 0 है ये कह सकते हैं हम। तो हमने जब चेक किया रिजल्ट को तो हमारा कोई कैरी नहीं आता या फाइनल कैरी हमारा 0 है कहें, तो क्या है कि हमारा जो आंसर है वो निगेटिव है सबसे पहली बात, और ये किस में है वंस कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा किस में, बाइनरी नंबर में, तब हम एक्चुअल रिजल्ट पा पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो बाइनरी नंबर है ये वंस कॉम्प्लीमेंट में आया है हमारा रिजल्ट, बाइनरी इसका करना है तो हमें हो जाएगा 0010, फ्लिप कर देंगे क्योंकि बाइनरी नंबर से वंस कॉम्प्लीमेंट पे कैसे पहुंचे थे, नंबर को फ्लिप कर दिया था, इन्वर्ट कर दिया था। तो इसी तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट से हमें बाइनरी नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे 1 को 0 बना देंगे और 0 को 1 बना देंगे, तो ये हो गया बाइनरी नंबर और ये है अब हमारा आंसर, लेकिन किसमें निगेटिव में, किसमें निगेटिव में। तो इसका जो अब जब हम इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे टू पावर 1, टू पावर 2, टू पावर 3, तब भी ये आंसर क्या आ रहा है 2, लेकिन किसमें निगेटिव में, सही भी है। 10 माइनस 12 क्या होगा माइनस 2। तो ये हुआ हमारा बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ मैं, कहने अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं तो उसमें कैरी बिट आती है और कैरी बिट को हमको प्लस 1 करना रहता है और हमें आंसर मिल जाता है, फिर से हमें कोई कन्वर्जन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो कैरी बिट हमें नहीं मिलती है और हमें फिर से कन्वर्जन करने की आवश्यकता होती है और उसमें माइनस साइन प्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में रिजल्ट पाया और उसके बाद उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हमें कन्वर्ट करने के बाद मिलेगा और उसके आगे हमें माइनस साइन पुट करना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन है ऑफ अ बाइनरी नंबर। मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे टेलीग्राम पर जुड़िए, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।